तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को कभी न कभी दिमाग में ये आया होगा कि आईआईटी का एग्जाम और नीट का एग्जाम कैसे पेपर बनाते हैं, प्रोफेसर लोग कैसे पेपर बनाते हैं। तो आज मैं मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ आईआईटी मुंबई में, और मैंने प्रोफेसर से बात की कि वो पेपर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 2012 की। 2012 में आईआईटी का एग्जाम आईआईटी मुंबई ने बनाया था। अलग अलग आईआईटीज बनाती है जेई एडवांस्ड का पेपर। तो 2012 में आप इंटरनेट पे देखोगे तो 2012 में जो जेई का पेपर था वो आईआईटी मुंबई ने बनाया था, और उस टाइम मैं वहाँ स्टूडेंट था सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में मैं एक प्रोफेसर सर से मिलने गया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने उनके असिस्टेंट से जाके बात की कि सर कहाँ है, मुझे सर से मिलना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि सर सर की लोकेशन बता नहीं सकते कि सर कहाँ है, कि कॉन्फिडेंशियल है, वो कहाँ बैठे हैं अभी, ये बात हमें कॉन्फिडेंशियल रखने को बोला है। तो मैंने उनसे बोला ऐसा क्या काम कर रहे हैं सर जहाँ आप बता नहीं सकते कि कौन सी बिल्डिंग में है, कौन से रूम में है। तो उन्होंने बोला नहीं बता सकते। तो मैं वापस आ गया और मैं अगले दिन सर के पास मिलने गया। तो सर से मैंने बात की कि आपके असिस्टेंट ने बोला था कि सर आपकी जो लोकेशन है वो बता नहीं सकते किसी को भी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जेई का पेपर लिख रहा था, जेई एडवांस्ड की कुछ क्वेश्चंस बना रहा था। अभी इसी साल आईआईटी मुंबई पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैं क्वेश्चंस बना रहा था। जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो सभी प्रोफेसर लोग एक ऐसी जगह होते हैं जिनकी लोकेशन बाकी लोगों को शेयर नहीं की जाती है। तो फिर मैंने उनसे बात की कि सर आपने पूरा पेपर बनाया है। तो उन्होंने बोला नहीं, पूरा नहीं बनाया है, जिस फील्ड पे मैं रिसर्च कर रहा हूं उनका जो मेन जो रिसर्च वाला जो पार्ट था वो थर्मोडायनेमिक्स का था। उन्होंने हमें हीट एंड मास ट्रांसफर के कोर्सेज पढ़ाते थे वो हमें। तो उन्होंने बोला कि मैं थर्मोडायनेमिक्स से मैंने चार क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में जो थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं जो प्रोफेसर, उनसे ऐसे चार चार क्वेश्चंस लिए गए एक टॉपिक से भी, अलग अलग प्रोफेसर से। अगर किसी का मान लो सॉलिड स्टेट जो है वो उनका रिसर्च फील्ड है, तो उनसे सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस है वो बनाने को बोलते हैं। तो पहली बात तो कि इसी प्रकार नीट का पेपर बनता है, कि जेई और नीट के पेपर बनाते वक्त एक प्रोफेसर जो है वो पूरा पेपर नहीं बनाते हैं, उनको दो या चार क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मान लो थर्मोडायनेमिक्स से जेई एडवांस में दो क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्होंने ऐसे 5-6 प्रोफेसर लोगों को दो दो क्वेश्चन सबसे, दो दो या चार चार क्वेश्चन सबसे ले लिए, और फिर उसके बाद में फाइनल उनमें से कौन सा क्वेश्चन जाएगा फाइनल पेपर में, वो बात इन प्रोफेसर लोगों को भी नहीं रहती है, वो कोई और टीम मैनेज करती है। कि एक बार एक ही चैप्टर से मान लो 15-20 क्वेश्चन आ गए, उनमें से फाइनल जो क्वेश्चन है वो कौन सा सेलेक्ट करना होता है वो एक अलग टीम रहती है। तो इसी मतलब एक किसी एक इंसान के पास में पूरी इंफॉर्मेशन या एक प्रोफेसर के पास में पूरी इंफॉर्मेशन पेपर की नहीं रहती है। एक इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा पेपर एक प्रोफेसर के पास, एक नए तो एक प्रोफेसर से बनाया जाता है और नए उनके पास में पूरे क्वेश्चंस दोस्तों रहते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर एक बात बताइए, आप तो थर्मोडायनेमिक हीट एंड मास ट्रांसफर जो हम लोगों को पढ़ा रहे हो, ये तो जेई के सिलेबस का है ही नहीं, आप तो बहुत ऊपर का पढ़ा रहे हो, तो आपको 11th 12th की चीजें कैसे याद है? आप जेई के पेपर में, आपको तो जेई के पेपर में तो आपको कॉलेज के हिसाब से तो क्वेश्चंस नहीं डालने, आपको तो इजी लेवल का डालने। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पहले पेपर्स दिए गए हैं, पुराने सालों के पेपर्स जो है वो मुझे दिए गए हैं, और मेरे को सिलेबस दिया गया है, मेरे पास में एनसीईआरटी की किताबें हैं, और वहां से मैं सिलेबस देख रहा हूं कि सिलेबस क्या है, फिर मैं पुराने सालों के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने, जो क्वेश्चंस पुराने पूछे गए हैं उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनाए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की थियोरी देखी और फिर उसके बाद में उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है उस पर क्वेश्चंस बनाए, कि एनसीईआरटी में कहीं स्टेटमेंट टाइप चीजें लिखी हुई है, तो उसको मैंने खुद से सोच के इस स्टेटमेंट का जो एप्लीकेशन है उस पे मैंने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार जेई और नीट के पेपर के लिए जो प्रोफेसर पेपर बनाने वाले हैं उनको, वो अभी 11th और 12th नहीं पढ़ाते हैं,
वो हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं। नीट के पेपर में भी जो कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं वो हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं, उनको पूरा सिलेबस पता नहीं होता है ना। अभी वो 11th और 12th की चीजों के टच में इतने ज्यादा नहीं है। सोचिए, आपको कोई बोल दे कि 8th क्लास का आपको पेपर सेट करना है तो आप क्या करोगे? क्या आपको याद है सारी चीजें 8th क्लास में क्या थी? आप एक ही चीज करोगे कि 8th क्लास का पुराने सालों के कुछ पेपर्स मांगोगे और फिर उसके साथ में आप 8th क्लास का सिलेबस मांगोगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने चाहिए और उसके साथ में क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए कि मान लो एक क्वेश्चन है एक स्पेसिफिक पार्ट से, तो आपको खुद से सोचना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द कोई आदमी कैसा सवाल बना सकता है। और जेई और नीट के एग्जाम में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए हुए अगर आपको मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए हुए अगर आपको फाइनल पेपर में मिल जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार ये पेपर तो जो है ना जैसा मैं सोचता हूं ना वैसा ही बना है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही बना है। मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर खुद से फ्रेम किए हुए अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसा लगता है कि पेपर बनाने वाला की जो सोच है और मेरी सोच है दोनों मैच होती है। तो आपको हमेशा क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं एनसीईआरटी से और उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो आप अब ये सोच सकते हो कि अगर मैं टीचर होता, अगर मेरे को कोई पेपर बनाने को बोलता तो मैं किस प्रकार के क्वेश्चंस डालता। तो आपको इस पूरे इंसिडेंट से आपको लग रहा होगा दो चीजें आपको समझ में आई होगी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस करने और दूसरा एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देने। उसके अलावा जब एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होने वाला था जेईई एडवांस का 2012 का, तो मैंने एक जगह देखा एक ट्रक पर एग्जाम पेपर जो है वो लोड हो रहे हैं। एक ट्रक पर लोहे के बड़े बड़े बक्से, उसमें पेपर्स रखे हुए हैं और बक्से लोड कर रहे थे। और हम लोग 5-6 दोस्त लोग कॉलेज के अकेडमिक एरिया से हॉस्टल एरिया की तरफ जा रहे थे पैदल। तो हम लोगों ने एक ट्रक खड़ा हुआ देखा और उस पर बक्से लोड हो रहे थे। तो हम में से एक ने पूछा उनको कि भैया ये क्या, इसमें क्या लोड कर रहे हो? जो लोड कर रहे थे वो आईआईटी के लैब असिस्टेंट थे, जो लैब में काम करते थे, उनको हम लोग जानते थे, लैब वाले भैया को। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर जी ये जो है ये लोड, ये क्या लोड हो रहा है संदूक में? तो उन्होंने बोला कि जे एडवांस के पेपर है। ये दूसरा इंसिडेंट है जब पेपर एक्चुअली बन के जब अलग अलग सेंटर्स पे जा रहा था। तो हम 5-6 लोग दोस्त लोग बात करने लग गए कि यार इस संदूक में कितने लोगों का भविष्य है, इस संदूक, ये जो संदूक है, इस संदूक में जो पेपर है उसका कितने सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने सारे लोगों के घरों, घर वालों के, फैमिली के जो सपने हैं वो इस संदूक में है। इस संदूक में जो क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चंस का वेट कर रहा है कोई बच्चा 9th क्लास से, 10th क्लास से जेईई के बारे में सोच रहा है, फाइनली 12th में आया है और अब वो जेईई एडवांस दे रहा है। तो मतलब कितने लोगों के सब, हमारा एक घंटे तक डिस्कशन चला इस बात पे कि अरे भाई यार इसमें अपने भी हमारा, हम जब हम लोगों ने जेईई का पेपर दिया था 2011 में दिया था, वो आईआईटी कानपुर ने बनाया था। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि यार हमारा भी कहीं पेपर बना होगा और ऐसे लोड होके अलग अलग सेंटर पे पेपर जा रहा होगा और फिर अलग अलग जगह, अलग अलग सेंटर पे, पुलिस स्टेशन पे पेपर दे देते हैं, फिर पुलिस स्टेशन से जो सेंटर वाले हैं वो लेके आते हैं एग्जाम पेपर। और तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो दोस्तों ये रियल इंसिडेंट है, ये मेरे साथ में हुआ है। और आप लोग भी बहुत अच्छी कॉलेज में जाने वाले हो, नीट के बहुत अच्छी कॉलेजेस में, जेईई के बहुत अच्छी कॉलेजेस में, तो आपके साथ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होंगे। कॉलेज में तो इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो मतलब तुम लोगों को अगर आप बहुत अच्छी कॉलेज जाओगे ना तो तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगने को लगेगी। हमारे एक प्रोफेसर थे डीबी पाठक, फोर्थ पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस। उन्होंने उनके बारे में ये था कि उन्होंने आधार कार्ड जो बनने वाला था उसका जो इनिशियल काम था वो उन्होंने किया था। तो सोचो मतलब आप अगर अच्छे कॉलेज में गए ना तो बहुत बड़े बड़े काम आपको लगेगा, अच्छा ये काम इस इंसान ने किया था, है ना। ये मतलब बहुत ही सारे बड़े बड़े लोग, मैं आपको बताऊं आईआईटी मुंबई में एक बार हम लोगों ने जोई बाइडन को देखा था, वो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे और वो रिसर्च स्कॉलर से मिलने आए थे आईआईटी मुंबई में। तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब, और जोई बाइडन को, और बहुत दूर से जा रहे थे वो, और सारे के सारे सिक्योरिटी थी
और हम लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पता नहीं कौन है, उस टाइम हम लोग जानते नहीं थे, तो थोड़ा हमसे 200-300 मीटर दूर थे, हम लोग खुद गए भी नहीं वहां देखने को। तो अगर तुम बहुत बड़ी जगह जाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे मतलब दिखते रहेंगे। रतन टाटा आए थे एक बार कॉलेज में, है ना। अब बॉलीवुड वालों का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा कि ठीक है आमिर खान वगैरह का ही दिख गए, पर आपको एकदम बड़े लोग जिन्होंने अपने देश को चेंज किया है, वैसे लोग आप लोगों को दिखते रहेंगे। देश की जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही है ना, वो करने वाले, उन चीजों को इनिशिएट करने वाले लोग आपको आपके आसपास होंगे। मतलब ऐसे लग, ऐसे बोल रहा है कोई, बोल रहा है कि इस ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे जो ये क्या बोलते हैं, जो भैया रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, जो भैया रहते थे पहले अपने सीनियर, वो अभी उनके चांसेस है कि इस इधर गूगल फेसबुक या ये बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ बन सकते हैं, इनकी इनका बहुत नाम हो रहा है। मतलब ऐसे बात करते रहते हैं कि जो मेरे ऊपर वाले रूम में रहते थे, जो मेरे पहले रूम में रहते थे, वो अभी क्या कर रहे हैं। जो हमारे हॉस्टल 4 था मेरा IIT मुंबई में, हॉस्टल 4 में जिस रूम में मैं रहता था, उसमें हम लोगों को किसी ने बताया कि जो गोवा के CM थे वो IIT मुंबई से पढ़े हुए हैं। तो मेरे को सीनियर्स ने बताया कि जिस रूम में तू रहता है उस रूम में वो रहते थे, और वो एक बार हॉस्टल 4 आए भी थे। मतलब कॉलेज के साथ में तुम्हारी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी ना कि तुम बाद में भी, तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, अपने हॉस्टल वापस कभी ना कभी आओगे आप, कुछ सालों में आप अपने हॉस्टल जाने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों आज मेरे को बताओ, ऐसे अगर और इंसिडेंट आपको जो हमारे हॉस्टल में हुए, जो हमारे कॉलेज में हुए, अगर उन और इंसिडेंट्स के बारे में ऐसे वीडियोज़ अगर आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट्स में बताइए कि सर हाँ हॉस्टल लाइफ के बारे में और बताओ, और जो IIT मुंबई में इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात करो। चलो दोस्तों आज के इतना ही, बाय बाय।